ये दुआ को ले जाने वाले की क्या समझ रहे हैं, ये जिंदा रह पाएंगे? खुदा ने इनकी जिंदगी इतनी मुख्तसर कर दी है कि ये वो ऐसी मौत मरेंगे कि इनका कोई पूछने वाला, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। इन्होंने इन्होंने बच्चियों को इसलिए पैदा करते हैं कि कोई भी आए उठा के ले जाए, तो क्या हम अपने बच्चों को घर से निकलने के लिए, कोई पढ़ने के लिए भेज रहा है, कोई काम करने के लिए बच्चियों को भेज रहा है, तो किसी तरह से बच्ची हमारे मुल्क पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो मुसलमानों के लिए बनाया गया है, जो कायदे आज़म में जिसकी बुनियाद रखी थी, तो यहाँ हमारी बच्चियाँ महफूज रहेंगी? किसी मुसलमान की बच्ची महफूज नहीं है, तो यहाँ और कश्मीर में फ़र्क ही क्या हो गया? कश्मीर में भी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर भी कोई महफूज नहीं है मुसलमान? वो आज़ाद नहीं है, हम तो आज़ाद मुल्क है, हम तो आज़ाद पाकिस्तानी है, लेकिन फिर भी कहाँ है, हमारी बच्चियाँ ही महफूज नहीं है। और माँ की बद्दुआ अर्श हिला देती है, दुआ की माँ भी जिंदा है और माँ जिंदा है दुआ की। एक माँ नहीं है यहाँ, जितनी खड़ी है सब दुआ की माँ बहनें आई हैं यहाँ पे, और दुआ के लिए सारा मुल्क दुआ कर रहा है। और दुआ है जहरा है, वो वापस आएगी, जहरा के फातिमा, जहरा के सत्ते में वापस आएगी दुआ इंशाल्लाह। आमीन सुमामीन। उसे फातिमा जहरा नबी की बेटी, ये रहमत है हमारी बेटियाँ, इन रहमतों को परेशान कर रहे हैं, ये जो रहमतों को उठा रहे हैं ये जहमत उठाएंगे इंशाल्लाह।